मत्थे ते टीका ते थाली नाल पूजा। आंध्र प्रदेश के पिंड वासियों की श्रद्धा उन्होंने मसीहा बने सोनू सूद लई है। तेलंगाना का सिद्दीपेट जिला जिथों के डूबा टांडा पिंड के लोगों ने सोनू सूद के सन्मान में एक मंदिर बनाया है। मंदिर च लोगों ने सोनू सूद की मूर्ति भी लगाई है। इस मंदिर को 20 दिसंबर को खोलिया गया है। मंदिर का उद्घाटन करदिया पिंड के लोगों ने सोनू सूद की पूजा भी की। सोनू सूद के नाँ के जिकारे भी लाए। लोगों के चेहरे पर मुस्कान अपने हीरो सोनू सूद लई है, जिसने लॉकडाउन दौरान उन्होंने अपने घर तक पहुँचाया। पिंड डूबा टांडा के लोगों का कहना है कि सोनू सूद ने कोरोना संकट दौरान लोगों की काफ़ी मदद की, जिस तो बाद उन्होंने दर्जा भगवान वर्गा है। इसी करके उन्होंने अपने पिंड च सोनू सूद का मंदिर बनाया। सोनू सूद इतना आदमी हेल्प किया, सार ने इतना आदमी हेल्प, अभी और अगला कभी भी हमारा भी आ सकता है हेल्प, कोई भी प्रॉब्लम। इसलिए हमको यही थॉट आया, जब ये करेगा तो हमको भी हेल्प कर सकता है। जैसे दुनिया में कोई कितना 28 राष्ट्र में 29 स्टेट में अभी पूरा स्टेट में इतना प्रॉब्लम को सार ने सॉल्व किया, कल हम हमारा को भी आ सकता है, हमारा फैमिली को भी आ सकता है, हमारे भाइयों को भी आ सकता है। इसलिए हमको वो सोच के आगे के लिए, जैसा ये दुनिया में वर्ल्ड में अभी किधर इधर भी नहीं है, ऐक्य राज्य में भी सार को रिकॉर्ड ये नेशनल यूनिटी वो टचर का ह्यूमनिटी का अवार्ड मिला। इसलिए हमको उसका ऊपर इंफॉर्मेशन हो ये हो के हम स्टैचू बनाने के लिए प्लान किया था। इंडिया में एक ही भगवान है सोनू सूद। साउथ इंडिया के लोग जो अपने मंदिरों के घर च अदाकार रजनीकांत की पूजा करते हैं, हुण उन्होंने दिलों सोनू सूद ने भी अपनी उही जगह बनाई है। अपने मंदिर बनन ते सोशल मीडिया ते सोनू सूद ने इसका रिएक्शन देंदे हुए कहा कि ये सब दे लायक नहीं है, पर लोगों का यह प्यार सोनू सूद लई है। सोनू सूद ने किसी नू उसके घर तक पहुँचाया, तो किसी का इलाज करा उसनू नवी जिंदगी दिती, किसी नू पढ़ाई लई मदद की, किसी नू रोज़गार लई, किसी नू खेती लई ट्रैक्टर भेजा, तो किसी नू रोजी रोटी लई ई रिक्शा का प्रबंध किया। सब तो पहला सोनू सूद ने मुंबई के जुहू स्थित अपने 6 मंजिला होटल शिव सागर नू डॉक्टर से हेल्थ स्टाफ लई खोल दिता सी, जिन्होंने कोरोना वायरस नाल लड़ रहे लोगों का इलाज किया। उस तो बाद कई जरूरतमंद लोगों नू राशन ते खाना भी सोनू सूद ने मुहैया करवाया। कुछ समय बाद सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों नू उन्हां दे घर भेजन का सिलसिला शुरू कर दिता। मुंबई के स्टे थाने के इलाके तो प्रवासी मजदूरों नाल भरी 10 बसों नू रवाना किया गया। ऐसा बसा कर्नाटक के गुलबर्ग इलाके विखे गई, फिर हजारा मजदूरों यूपी ते बिहार उन्होंने घर पहुँचाने कई बसा का इंतजाम किया गया। फ्री हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया, जिस दे राही वख-वख राज्यों से फंसे हुए लोगों अपनी डिटेल्स भेजने कहा गया। सोनू सूद ने हर कोशिश कर फसे हुए लोगों उन्होंने घर पहुँचाया। इस तो बाद सोनू सूद वालों ये सिलसिला लगातार जारी रहा। बसा, रेलगड्डिया, हवाई जहाज, हर साधन का प्रबंध सोनू सूद ने कराया। कदी केरला के अरनाकुलम विच फसिया ओडिशा दिया 177 कुड़िया नू एयरलिफ्ट करवाया, ते कदी किर्गिस्तान च फसे भारतीय विद्यार्थियों लई चार्टर फ्लाइट का प्रबंध भी किया। लॉकडाउन दौरान बेरोजगार हुए लोगों नू रोजगार दवाउण लई सोनू सूद ने कई कदम चुके। इस दे लई सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार .com नाम की वैबसाइट शुरू की सी। सोशल मीडिया से लगातार सोनू सूद एक्टिव ने, जिसनू मदद की जरूरत सी उसकी मदद लई सोनू सूद ने हामी भी भरी। हाल ही सोनू सूद ने अपनी रोजी रोटी गुआ चुके लोगों ई रिक्शा गिफ्ट करने का ऐलान किया। इस दिवंग अदाकार ने अपने इस नवे इनिशिएट खुद कमाओ घर चलाओ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर भी किया। सोनू सूद ने कहा कि जो उसनू लोगों वालों प्यार मिल रहा है, उही कारण है कि जो हमेशा लोड़वंदा लई खड़ा रहिंदा है। पिछले कुछ महीनों मैनू बेहद प्यार मिलिया, जिस करके ही मैं इन्हां लोगों लई नवे इनिशिएट खुद कमाओ घर चलाओ शुरू किया। सोनू सूद का कहना कि इस समय च लोगों समान वंडन तो बेहतर है कि उन्होंने नौकरियां मुहैया कराई जा। मैनू यकीन है कि यह इनिशिएट बेरोजगारा मुड़ उन्होंने पैरों पर खड़ा कर देगा। यही कारण है कि सोनू सूद वालों की जा रही जरूरतमंदा की मदद ने उसनू लोगों का मसीहा बना दिता। अज डूबा टांडा पिंड के लोगों ने सोनू सूद के सन्मान में मंदिर स्थापित किया है।